वालेकुम मैं हूँ मारिया मेमन और आप देख रहे हैं मारिया मेमन पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों ने ये फरमाइश की कि उमर रियाज को यानी मेरे खावन को इस पॉडकास्ट में दोबारा बुलाया जाए सो so, मुनासिब मौके की तलाश थी 12 फरवरी को हमारी शादी को पाँच साल मुकम्मल हुए हैं पाँच साल, साल मुकम्मल हुए हैं और चौदह फरवरी के दिन आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो हम रिलेशनशिप जर्नी और जो क्वेश्चन आपके जेहन में हमारे बारे में होते हैं उससे तो मुतल पॉडकास्ट बनाएंगे थैंक यू उमर थैंक यू एवरी ये जो देखने वाले हैं इन्होंने जरा हमारी भी सिफारिश की हाँ। वरना मैं देख रहा था इतनी आला और इतनी वैसे स्पेक्टेकुलर और वंडरफुल और फिनल डिस्कशंस हो रही हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल स्ट्रगल भी की है और जो पर्सपेक्टिव अपना लेके और जो हम नॉर्मल से डिफरेंट हैं लेकिन इसी मुआरे के लिए ज़रूरी हैं तो खैर हमारी भी बारी आ गई आ गई आपकी बारी दोबारा लेकिन आ, लेट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट माशाल्लाह पाँच साल हो गए 2017 हज़ार कैलेंडर ईयर नहीं भूलने

तो तब दो तीन बातें होती हैं एक तो आप बड़ा स्लो और कॉशियसली मूव करते हैं आप बड़े आराम आराम से चीज़ों को देखते हैं बिकॉज़ देखिए है कि आप आजकल का जो ज़माना है और ये ही ज़माना बहुत अच्छा ज़माना है कि जिसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप लोगों की प्राइवेट स्पेस में ज़्यादा इंक्रोच नहीं

सो वट वॉज दैट मोमेंट फॉर यू फिर मैं अपना भी बताऊंगी कि मुझे कैसे मैंने कैसे फैसला किया कि यार ये दोस्ती से आगे की बात है हाँ पहली बात तो ये है कि हर, हर अब वर्किंग स्पेस है सोशल स्पेस है उनमें मेल और फीमेल्स ने इकट्ठे ऑपरेट करना होता है काम करना होता है लेकिन जब आप ये फैसला करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी वैल्यूज़ किस तरह से मिल रही हैं कोड शेय हाँ वो क्या है और दूसरा आप ये भी देखते हैं कि जो एक माशरती हम महंगी कि क्या सूरत हाल है और फिर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप, for males, कि आप आप तो नहीं कर रहे तो उसके साथ ये भी बात है कि आप प्रेशर भी ना लें क्योंकि मेरे साथ ये भी था कि मेरी जरा उम्र भी निकल रही थी I think 36, 37 के थे ना आप हाँ बस अब हाँ। सारी बातें तो ना बताएंगे उम्र बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद छत्तीस सैंतीस अड़तीस साल में शादी है तो बहुत देर हो गई है गर, हाँ, ये लोग कहते ये ही हैं। समझते हैं इवन मेल तो मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था हुँ. कि अब क्या करूंगा और मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं अकेले जिंदगी गुजारूं। ये नहीं कि उसमें कोई हर जाए आपकी आपकी लेकिन मैं ये चाहता था जी से, लेकिन मुझे समझ नहीं लगती थी हाँ जी और क्या करूँ और जी, जी जिनके साथ, साथ आपने वीडियो भी की है मेरी अजीजा भी है तो हम यही डिस्कस रहे थे तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि ये प्रेशर ना लो कि आखिर में आपने जनाब फॉरन ही जो है ना अभी मतलब अभी कल या परसों या ये आपने मतलब शादी कर लेनी और, और उन्होंने मुझे ये भी बड़ा अच्छी बात किया ये भी नहीं फेयर चलाते फिर ये ये भी बुरी बुरी बात लेकिन आपका उसके बीच में भी बड़ा कुछ है और वो बहुत मतलब माशरती तौर पे बहुत यानी परमिसेबल तरीके से भी है यानी अब लोग हमारे घरों घर में आते हैं हम देखते हैं वो हमें कहते हैं समझते हैं बड़े मॉडर्न है हालांकि हम बड़े देसी से हाँ, हैं बहुत देसी है। ठीक है हमारे हमारे कोई स्कूल है हमारी बहुत सारी हाँ, हाँ कर... हमारी कोई इल्लतें नहीं है हाँ। हम बैठते हैं खाना खाते हैं बातें करते हैं और किताबें हैं और इस तरह की चीज़ें तो उसमें फिर जब ये काम आसान हो गया कि प्रेशर नहीं है वो जो प्रेशर टाइम का प्रेशर है ना कि मतलब इस साल मैंने शादी कर ली लेंगे ये प्रेशर नहीं है

ये भी फर्क होता है कि जब आप अपनी जिंदगी में किसी को चूज कर रहे हो तो जब आप ट्वेंटीज में आपके पार्टनर का जो आइडिया होता है वो आपके थर्टीज में बहुत डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल जब लड़कियां अठारह साल में उन्नीस साल में उनको होता है कि अब शादी हो जाएगी क्योंकि हमें बताया जाता है ये पहला पहली दफा ये सवाल है शादी बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन स्टोन है तो आप अपने जहन में एक किरदार बना लेते हैं और वो जो चेकलिस्ट होती है कि मेरे पार्टनर में ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए वो ट्वेंटीज हाँ, में बड़ा है छह फुट का होना चाहिए थर्टीज में भी बड़ा मुख्तलिफ है राइट हाँ। आदमियों में भी यही होता है क्या आदमियों में तो देखें होता है ऐसे है कि जैसे जब आपकी नौकरी शुरू होती है ना तो उसके साथ ही आपकी जो है ना ऐसी बातें शुरू हो जाती हाँ है तो आप शर्माए शर्माए थोड़े फिरते हैं कोई नहीं आप आपने जो भी रोजगार होता है फॉर एग्जांपल तो, तो तब आपके साथ ये वो आप जल्दी हो जाते हैं तो जल्दी शुरू हो जाता है घर में वाल्दा वाल्दा और उसके साथ भी जो बड़ी अप्रोच होती है वो बड़ी स्टीरियोटाइप टिपिकल होती है हमारे यहाँ वो ये होता है कि आपके जी सेटलिंग डाउन में ज्यादातर जो है कि हमारी तरह हो और थोड़ा सा आपका जो घुल मिल घए घल और उस घ में फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ना जिस तरफ होते हैं कि अच्छा कोई जानने वाले हों कोई रिश्तेदार हों फिर कोई हाउस वाइफ, फिश हाउस वाइफ्स को ज्यादा आपको मतलब किया जाता है ग्लोरीफाई एज कम्पेयर टू थोड़ा वर्किंग वूमन मुश्किल वो और उस वक्त आप भी ये सोचते हैं कि ये मतलब मेरे लिए मेरे लिए उस वक्त ज्यादातर लोग ये सोचते हैं आई फाय रिकॉल तो कहते हैं कि इसमें ना मेरे लिए चैलेंज कम हो हाँ। आप चैलेंजेस से घबराते हैं आपको ये लगता है कि अगर मैंने कोई रिस्क लिया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सो so, साल की उम्र में योर आइडिया ऑफ एन आइडियल आइडियल एट दैट टाइम लाइफ पार्टनर वो भी? जिसे कहते सुंदर सुशील हाँ। घर टाइप हाँ। जो है ना ये वाला, really type, हाँ। way, लेकिन

जब तक आप वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और मैंने जो अपने इर्द गिर्द लोगों में देखा मेरे सारे कंटेप्रेज थे उनकी वो बॉन्डिंग नहीं थी मतलब मैं तो साफ़ कहूँगा मतलब मेरे जानने वाले थे बहुत सारे बच्चे भी हैं सब कुछ भी हैं शाम को फेरी जा रहे हैं लड़कों से

ये प्रॉब्लम है और वो आपको कोई एडवाइस नहीं कर सकता तो आपने अपने ऊपर एक छोटा सा वो एक का कून है वो एक का कून है इसमें बच्चे हैं किचन है, है रिश्तेदार हैं इसमें आप हैं आपके इंटरेस्ट हैं आप हाइकिंग कर रहे हैं आप जॉगिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ पे मैंने देखा है कि यार वो लोग जो इसमें जो लाइफ को पूरी को शेयर कर सकें जॉइंट एक्सपीरियंस हो हर चीज हाँ, हर एस्पेक्ट हाँ, हाँ, और दूसरी बात ये थी कि मैं जो हमारी 24-25 का आपने सवाल किया ना तो हम सारे जो मिडिल क्लास वाले ना हम इंडिपेंडेंट वुमेन से ना इनसिक्योर हो जाते हैं अच्छा ये हमारा साथ साथ दूसरा मसला है ठीक है हमें ये लगता है हमें ना इनसिक्योरिटी बढ़ी हमें ये लगता है कि ये कोई इंडिपेंडेंट वर्किंग वेल uh, well, uh, दुनिया देखे हुए खातून आ गई ना तो उसने ना हमें एक्सपोज दे एक कर देने सारा एक्सपोज कर देना ठीक <laughs> है ना तो जू <laughs> मेरी personally, जू मेरी पर्सनली जू जू सिक्योरिटी बढ़ती चली गई hmm. यानी मैं सिक्योर होता है चला गया तो वैसे वैसे मेरी जो कह लें कि प्रेफरेंसेज या ये hmm. वो मेरी चेंज होती है इंटरेस्टिंग पॉइंट क्योंकि एज अ फीमेल जब अर्ली ट्वेंटीज़ में जो मेरी चेक लिस्ट थी ना hmm. उसमें सारी ज़ाहरी चीज़ों की थी yeah. जैसे वो तनख्वाह कितनी होनी चाहिए दिखना कैसा चाहिए hmm. पर्सनालिटी कैसी हो उस वक्त मेरी चेक लिस्ट में इमोशनल स्टेबिलिटी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन लॉयल्टी Uh, और इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह जो ये सब चीजें थी ना उस वक्त मुझे पता भी नहीं था ये और क्या वो मेरी चेकलिस्ट में होंगी भी तो पता नहीं कहीं नीचे वो सारी सोसाइटी उसको हाँ, कर रही है ना कंस्ट्रक्ट कर अच्छा रही है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थर्टीज में जब मेरे चॉइस ऑफ पार्टनर मैंने करना था तो ये चीजें ऊपर आ गई और बाकी सारी जो मेरी बड़ी जाहिरी और सुपरफिशल डिमांड्स थी मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि दे ओके मगर लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है मेरे लिए Uh, मेरे लिए ये है कि जो आदमी है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए क्योंकि आपने बाकी चीजें के साथ साथ ज्यादा वक्त इसके ऊपर बेस्ड होगा आपका रिलेशनशिप हाँ। uh, और मेरा एक और भी इसमें ख्याल है मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते मसलन मेरा नहीं ख्याल यू वुड बी लाइक टू गोइंग कि ये इमोशनली इम्पोर्टेंट है लेकिन करता कुछ नहीं हाँ, हाँ लेकिन आपको ये पता होता है कि ये जो बंदा है ना इसमें ये कुछ करता भी है

Uh, कि जिस वक्त हम मिले तो उस वक्त मैं एक बहुत प्रोमिनंट uh, मेरी एक पर्सनैलिटी थी भी ज़्यादा हो हाँ और इन एनी वेज आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस कि ऑब्वियसली रिसोर्सफुल आप भी बहुत हैं लेकिन उस वक्त भी और अभी भी फाइनेंशली uh, uh, मैं ज़्यादा आपसे पैसे कमाती हूँ हालांकि बड़ी एक हार्श uh, बात है कहने को लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ये जो एक डायनामिक चेंज हो जाती है जब बीवी जो है वो ज्यादा इन सर्टन वेज आगे हो वाइफ से आ, आ, खावन से uh, so, के ये क्या पीपल so. हो लोगों का शादी के बारे हाँ, हाँ, अच्छा, में बड़ी हाँ। दिलचस्प आयरनी देखी हमारे जिस इलाकों से हमारा ताल्लुक है बाकी जगहों पर मैंने अपनी देखा कि लोगों को ना जहेज लेने का बड़ा शौक है जो हमने नहीं लिया बाय द वे यस दैट्स yes, अच्छा अब हमारे जो मेल्स hmm. हैं उनको ये बड़ा शौक है कि बीवी हो अमीर hmm. लेकिन उसके अमीर के साथ ये नहीं उनको अप्रिशिएट करते कि अमीर होने के साथ साथ वो असर्टिव भी हो ठीक hmm. है सो so बेसिकली अमीर पे इतराज़ कोई नहीं होता लोगों को लेकिन यहाँ पे हमारी इक्वेशन डिफरेंट थी हमारी इक्वेशन ये थी कि हमारी फैमिलीज तो उसमें कुछ आ नहीं रही दोनों ah. उसकी इक्वेशन अब हमारी इक्वेशन में यू आर द वन हु इज मेकिंग आई थिंक टेन टाइम्स मोर देन करेंगे वजह से हमारी थोड़ी टेंशन भी थी शुरू। एक टेंशन उस तरह से नहीं की लड़ाइया हाँ। हो रही है लेकिन एक चीज कि ये कैसे चलेगा और उसमें फिर स्पेशली जब आई थिंक मेरा ख्याल आप कहेंगे या नहीं कहेंगी कह दें कि जो आपको आपकी फीमेल जो कोलीग्स हैं या हाँ। उससे वो भी ये कह रही हैं कि अच्छा ये जो मर्द है ना ये इस ये, ये, तरह भी होते हैं ये ये जनाब हाँ। ये ये पैरासाइट भी बन जाते हैं हाँ, बिल्कुल ठीक बात है लेकिन उसके साथ ये भी आपने ये देखना है कि आपका एक लॉन्ग व्यू भी रहे हाँ। यानी आप डे टू डे ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक बात है कि यानी और उसकी सबसे हाँ। बड़ी मिसाल ये है कि जब हमारी शादी चले तो गए था उधर से निकल आप जब हम कराची गए हाँ। तो घर जो था वो आपका था बिल्कुल उसका किराया उसका किराया भी आप दे रही थी मुलाजमो की तनख्वाह भी दे रही अब पूरे दो साल में यूर दूर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर

के बहुत सारे काम हम इकट्ठे कर रहे हैं ठीक हाँ। है लेकिन कभी कभी हम बड़े ना वो इंडिविजुअलिटी भी रखी नहीं, कभी कभी हम बड़े शेख हो जाते हैं शेखों से <laughs> के साथ अब ये दोनों दोनों तो में में पे तो हाँ। तो मेमन 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 मुझ पे मत तो कभी कभी टच हम दोनों शूज करें हाँ। और उसमें हम बकायदा जो है वो हिसाब कर रहे हैं और बाकी अक्सर हिसाब नहीं भी कर रहे तो ये बड़ा कॉमन है कि अगर दोनों पार्टीज जो है वो अर्न कर रही है तो हिसाब जो है ना वो अच्छा लोग अभी पूछते हैं आप लोग इतनी हॉलीडेज पे जाते हैं और आप लोग

मैंने उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया आपकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स अब मेरी दोस्त बन चुकी हैं ज्यादातर है। बन चुकी हैं बीवी की या खावंद की ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप हाँ इसको कैसे प्रोसेस करें देखिए इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो है ट्रांसपेरेंसी अच्छा जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना वहाँ पे मिसाइल होते सो so, आप क्यों कोई किसी से छुपाएंगे हाँ ठीक है और हम दोनों जिस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी और लॉयल्टी लॉयल्टी yes. नहीं बड़ी बातों में लॉयल्टी yes. ये कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज खरीदी है hmm. तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा ठीक hmm. hmm. है फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे से मिला हूँ हम हर रोज एक दूसरे पूछते हैं

अनअवॉइडेबल है अब नहीं रोक सकते हैं अब दी ओनली ऑप्शन इज ट्रस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या कर लेंगे हाँ। अब सोशल मीडिया है बाकी बातें गाँव तो नहीं है अच्छा तीसरी बात ये है कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस है वो टाइम के साथ आता है वो इमोशंस के साथ आता है चौथी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि आप ये जो हमारा बैलेंस है ना कि हाँ। आप एज ए इंडिविजुअल भी ऑपरेट करें और एज ए वो भी करें यूनिट भी हम सोशली एज ए यूनिट ऑपरेट करते हैं जी जी बिल्कुल हाँ। ठीक है आपको क्या शर्म है मैं मर्दों से कहता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल बेगम साहिबा को साथ नहीं लेकर जा रहे सोशल अच्छा लोग नहीं लेकर जा अच्छा, हमारे... अच्छा, मैंने तो अपने घर में एंट्री बंद की जो अपनी बेगम को नहीं लेकर सीखी है मैरिड लाइफ में कि फैमिली के साथ ऑपरेट करना इज रियली डिसेंट एंड रिस्पेक्टेबल थिंग टू डू ट्रू जब आप फैमिली के साथ बैठते हैं ना तो आप लेक्चर पर नहीं करते हाँ. फिर आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के साथ hmm. वो और लेवल पे चले बहुत सब्सटेंस जा। आ जाता अच्छा, है और हम अब हम अब सारा दिन ना हम पार्टियों पे जाते हैं ना हम कोई हल्ले गुल्ले पे जाते हैं हम सारे उन लोगों से मिलते हैं जो फैमिली वाले हाँ। अच्छा एक और बात हाँ। अच्छा जैसे ये सोशल मीडिया है मैं अक्सर देखता हूँ मेरे मेल दोस्त भी हैं मैं तो साफ ही कहता हूँ खुद जो हैं वो बाहर फिर रहे हैं और बीचिस पे फोटो लगा रहे हैं हाँ। बैकग्राउंड पे कोई इस तरह जरा स्टीमी टाइप और बेगम की तस्वीर की जगह पे गुलाब का फूल लगा हुआ है हाँ। तो मुझे बताएं कि बेगम साहब आपकी गुलाब का फूल है इंसान नहीं है <laughs> सही बात है ठीक है उनको इरेज किया हुआ पूरी लाइफ से सोशल मीडिया प्रेजेंस के अंदर हाँ। ये आपकी क्या है आपकी इनसिक्योरिटी है देखिए आपकी यू आर अ पब्लिक पर्सन वो टीवी में आती है आप

लाइफ में रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है ठीक है तो अक्सर लोगों को मैंने कहा कि आप अगर अनुरीद नहीं हैं तो क्या है तो उन्होंने कहा जी मैं मैं सख्त हूँ मैंने कहा फिर हलाकू खान है तो आप रिस्पेक्ट करते हैं किसकी रिस्पेक्ट करते उन्होंने कहा जी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स की करता हूँ फलां की करता हूँ कहा हर बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं आप ये, ये कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है हाँ। उसके आपने मुरीद बने हुए हैं तो जिस शख्स के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप उसकी राय को वैल्यू नहीं देंगे तो आप क्या कर क्या करना चाहते हैं? आपका रिलेशनशिप जो है वो कोई वो कोई बॉन्डेज है वो कोई गुलामी है मास्टर सर्वेंट uh, है तो अगर आपका रिलेशनशिप इक्वालिटी की बेस पे है तो दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के पीर भी हैं और

Constant work है ना शादी का हमेशा हाँ वर्क है और इसमें कम्युनिकेशन देखे इंपॉर्टेंट है ठीक है लोगों के पास अच्छा बुरा वक्त आता है अभी आज सुबह हम आ रहे थे तो फॉर एग्जांपल गर्म पानी नहीं आ रहा में कुछ आ <laughs> गैस की से नहीं आ रही अब <laughs> गर्म पानी नहीं आ रहा ठीक <laughs> है अब आपका सारा गुस्सा मेरे पे निकल रहा था ठीक हाँ। है मैंने उसको इधर-उधर से थोड़ा सा जिस तरह ना ऐसे मैं ऐसे ऐसे मैं कर कर रहा हूं, ऐसे कर रहा गर्म पानी नहीं आ रहा फिर सुबह सुबह पानी आ गया।, आ गया अच्छा अब गर्म पानी के साथ साथ जो है ना हम लाइफ गोज ऑन अब मैं अब ये कह कि जी गर्म पानी नहीं आ रहा तो मेरा क्या कसूर है मैं दरवाजा मारू और मैं चला जाऊ तो बात देखिए बात है तो हाँ अब मुझे मेरे तो बाल नहीं है ना मुझे तो नहीं पता कि गर्म पानी की बालों पे क्या जरूरत है मैं तो पेंडू हूँ ना देखे पेंडू का काम होता है कि पानी शानी लगा के ना कंगे कर लेता है लेकिन आपने तो देखे नहीं 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 पानी शानी नहीं लगा ये जो बाल होते हैं ये बनाने में बड़ी मेहनत है अब करम पानी नहीं आता ठीक है मैं मैं अक्सर चीजें भूल गया मैं चाबियां भूल जाता हूँ ठीक है मैं खाना भूल जाता हूँ गिराता हूँ खाना गिराता हूँ मुलाजम को बताना भूल जाता हूँ उसको मुलाजम को नहीं बताया फॉर एग्जाम्पल चार बंदों का कहा शाम को बताया नहीं कि वो घर पे आ रहे हैं वो बाहर आ गए important मैं मैं बताना हाँ, बताना भूल जाता हूं। important information <laughs> बताना भूल जाता जाता मेरे दिमाग में बड़े आ, होते हैं हर तो वक्त पे कर रहा तो अब क्या होगा इसके बाद होगा ये कि जो आपने वो एक कहते हैं ना कि वो एक बड़ा ड्रामा था उसमें खातून का एक्टर था वो कहती थी लव्ज है कोई चीज ऐसी है जिसमें से स्मेल आ रही है आपके अब आप उसको निकाल लें और उसको रिमूव कर दें बजाय इसके कि डिनाई करें वो, वो बजाय इसके कि वो वहां पे रहे और गल सड़ जाए और वो गली सड़ी चीज आपके साथ लग जाए आखिरी क्वेश्चन क्योंकि हमने कन्वर्सेशन तो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट से कर ली है ग्रो करना एज अ कपल और इंडिविजुअली कितना जरूरी है मैं सबसे कहना चाहता हूं एक लफ्ज है एक जमाने में क्लिशे था मैंने वो देखा मैं आपको अपने तजर्बे और मुशाह mm. है ना इंस्टाग्रामलिटी इधर जा रहे उधर जा रहे गाड़ी पे बैठे से बैठे mm. खूबसूरत जब आप aspect जब लोगों को थोड़ा सा देखते हैं ना mm. तो आपको पता चलता है दुनिया में बड़ बड़े बड़े कामयाब लोग बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका उसमें एक ही लफ्ज बीच में आता है कि आप शुरू हुए इधर से यहाँ तो आप ऐसे हो गए ठीक है और यहाँ ऐसे हो गए हाँ। एक पार्टनर आगे हो गया एक पार्टनर पीछे हो गया अब आपको ना हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है जैसे आपने मेरी हैंड होल्डिंग की तो मैंने सरकारी नौकरी के साथ मिलके तो अपना कोई ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म शुरू हो गया हमने जब बात की थी कि भाई कहा जा रहे हैं और अब मैं स्टार्ट हो गया हूँ मैं दौड़ी जा रहा हूँ ठीक हाँ। है अब कई जगहों पे आपको मैंने नज किया है। ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये, ये, ये हैंड होल्डिंग क्योंकि अगर पैंतालीस साल की उम्र में दोनों पार्टनर्स में से एक आगे निकल गया और ये वो काम है जब मैं लोगों को कहता हूं 25 साल की उम्र में आप शादी करेंगे और आपकी जो बेगम साहिबा होंगी वो हाउसवाइफ होंगी और 45 साल की उम्र में आप पीक पे होंगे आप बैंक के सीईओ होंगे हुँ। ठीक है आपके सामने आप वर्जिश कर रहे होंगे हुँ। फिट रह रहे होंगे हुँ। योर पीकिंग है योर पीकिंग और आप देखेंगे तो आपका जो पार्टनर है और ये दूसरी तरफ भी हो सकता है जो खातून है जैसे आप हैं आप यू आप पीक पे अपने प्रोफेशन के अब मैं उधर ही सा पड़ा हूँ और मैं जना पेट निकाला हुआ है और और मैं सारा दिन जनाब बैठा फिल्में देखता रहता कोई काम नहीं करता और फिर मेंटली फिर इंटेलेक्चुअली तो ये जो ग्रोथ है ना ये दोनों इकट्ठे होना बड़ा जरूरी है सो इन वे फिर अगर नहीं करेंगे तो रिजेंटमेंट और regret और बहुत सारी चीजों के अंदर ही मैनिफेस्ट करेगा बात थैंक यू उमर फॉर टू डू दिस अगेन फॉर माय पॉडकास्ट और आप लोग फरमाइश करते जाएं करते जाएं तो मेरी बारी आती जाएगी ओके थैंक यू सो मच क्या bhaari, क्या देखना चाहते हैं अपने इस पॉडकास्ट में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा थैंक यू वेरी मच